अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ मैं आज का व्लॉग शुरू करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आईफिल टावर की लोकेशन पर आया हूँ। ये आईफिल टावर की लोकेशन है। अभी इस तरफ से एक और रास्ता निकला है जो एफ ब्लॉक है। ये सामने बिल्कुल एफ ब्लॉक है, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है एफ ब्लॉक है इस तरफ, और इस तरफ जी ब्लॉक है। ये एफ ब्लॉक से इन्होंने ये रास्ता निकाला है, तो ये जो इस तरफ जा रहा है ये समझ लें कि ये मेन बुलेवार्ड रोड होगी, ये वाली आईफिल टावर की तरफ जो जाएगी। और इस तरफ जो एरिया होगा, इस तरफ जितना भी है, ये हाइड पार्क का होगा। ये आईफिल टावर ब्लॉक की तरफ जा रहा है। तो अभी जो आईफिल टावर का काम है बहुत जोरों से जारी है, और उम्मीद ये की जा रही है कि साल 6 महीने में इन्होंने आप ये पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। मतलब मैक्सिमम जो टाइम लगेगा तो साल 1 का टाइम लगेगा। ठीक है, आप ये इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये सारे रास्ते इस तरफ बना रहे हैं आप। जैसे एक दो बातें और मैं बताता चलूँ। आईफिल टावर का मैप इन्होंने जो दिया हुआ है हमें, उससे थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया हुआ है, डायरेक्शन एक्चुअली चेंज की है, मैप नहीं चेंज किया हुआ। तो वो सामने एफ ब्लॉक है और इस तरफ जी ब्लॉक है। आए थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं उस तरफ खड़ा था, तो अब मैं ये थोड़ा सा आगे आया हूँ। तो अब इन्होंने लास्ट मेरी वीडियो मेरे ख्याल में 1 महीना पहले की थी, तो ये सारा ये 1 महीना पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो अब ये वो जो मैंने मेन बुलेवार्ड आपको बताई थी, ये उम्मीद की जरिए मेन बुलेवार्ड है। तो ये सारा हिस्सा इन्होंने क्लियर कर दिया इस तरफ। ये पहले कुछ भी नहीं इन्होंने क्लियर किया हुआ था इधर, 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने सारा ये क्लियर किया हुआ है। और इस तरफ ये देखें, ये चीज़ इस तरफ, ये इन्होंने ये सीवरेज की लाइनें बिछानी शुरू कर दी हैं, और ये वाकई एक रोड का मंजर पेश कर रही है। और सामने वो रन अबाउट नज़र आ रहा है। तो ये वहाँ से आप सारा एरिया देख सकते हैं, वो सारा क्लियर कर दिया इन्होंने। वो जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है वो सारा उन्होंने क्लियर कर दिया है। मैं उस तरफ भी जाऊँगा, थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि जितनी भी लोकेशन हैं वो सारी कवर हो जाएँ। तो ये देखें, ये सीवरेज की लाइन उन्होंने डाल दी है इस तरफ, और ये इस तरफ आगे ही ख़त्म हो रही है। अभी इन्होंने आगे भी डालनी है। तो वो सामने राउंड अबाउट है, तो उस तरफ भी सारा एरिया उन्होंने कवर क्लियर कर दिया है, और इस तरफ भी सारा एरिया इन्होंने क्लियर कर दिया। आए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं एक और दूसरी लोकेशन पर आया हूँ। यहाँ पर भी इन्होंने ये सीवरेज लाइन्स बिछाई हुई है, ये इस तरफ देखें, सारी सीवरेज लाइन बिछाई हुई है इस तरफ इन्होंने। तो अभी तो टोटली यहाँ के जो नज़र है वो चेंज है। जस्ट 1 महीना में इतनी ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है। ये राउंड अबाउट है, पहले उस तरफ मैं खड़ा था। तो ये भी मैं तीसरी लोकेशन पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा उधर मशीनरी खड़ी है। आज संडे का दिन है इसलिए छुट्टी है आई थिंक। तो ये वाला सारा हिस्सा इन्होंने क्लियर कर दिया है 1 महीने के अंदर अंदर। बहुत ज़्यादा इधर इन्होंने काम किया है। पहले जो अक्सर मैं वीडियो बनाता था वो जो सामने एक छोटी सी पहाड़ी है यहाँ पे खड़े होकर बनाता था, ये भी इन्होंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है। और वो आगे का जितना भी एरिया है वो सारा ये क्लियर कर चुके हैं। तो अब वाकई में लग रहा है कि साल 6 महीने में इन्होंने कुछ ना कुछ कर देना है। मैं इनके यहाँ पे कोई गारंटी वगैरह तो नहीं दे रहा आपको, लेकिन ग्राउंड पे जो कुछ नज़र आ रहा है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो मुझे खुद ये सरप्राइज़ मिल रहा है क्योंकि मैं 1 महीने के बाद इधर आया हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो रकबा है इन्होंने क्लियर कर दिया, वो सारा एरिया जो इतना भी उधर था वो सारा वो क्लियर कर चुके हैं। वो मलोट बाईपास रोड की तरफ था वो वाला एरिया। एक मैं दूसरी लोकेशन पे आया हूँ। पहले वो जहाँ पे ये मशीनरी खड़ी है इसके ना मैं ऊपर खड़ा था, तो
यहाँ से वो चीज़ ये वाला सारा हिस्सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, तो सरप्राइज़ मिल रहा है मुझे, सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ के इतना ज़्यादा इन्होंने काम क्लियर कर दिया है। एक ये दूसरा राउंड अबाउट है, पहले वहाँ पे एक राउंड अबाउट था, वहाँ पे खड़ा था, अब इस राउंड अबाउट की तरफ आ गए हम। तो ईरान कुन तौर पर काफ़ी ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। मैं पहले एक बात बता दूँगा, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी जो डेवलप हो चुका है सेक्टर वन, ये उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसमें ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, ये काम आप कर रहे हैं इसमें ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। हमने तो अपना एस्टिमेटेड टाइम बताया साल 6 महीने, तो साल 6 महीने से भी ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये अब ये क्लियर करने की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें टाइम पीरियड कोई कुछ कह नहीं सकता आदमी कोई भी। तो टाइम लगता है इसमें, थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है टाइम, लेकिन ये अब ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं, ये रोड्स वगैरह बना रहे हैं आप। तो साल 6 महीने का टाइम इसलिए दे रहे हैं कि एस्टिमेटेड टाइम है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। और जिन लोगों ने यहाँ पर प्लाट लिए हुए हैं, मैं उनको ये सजेशन दूंगा, जहाँ पे आपने 3 साल वेट किया है, 3-3.5 साल वेट किया, तो आप लोग थोड़ा सा और वेट कर लें 6 महीने, क्योंकि अभी भी जो प्लाट्स की जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी भी जो प्लाट्स हैं वो 18.5 लाख, 19 लाख, 20 लाख के मिल जाते हैं इजीली, तो वो होल्ड कर लें, तो 6 महीने में उनको अच्छी प्रॉफिट होगी। और जो लेना चाह रहे हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं, अभी टाइम है लेने का। ये जी एंड है यहाँ पे, ये दूसरा मेरे ख्याल में यहाँ तक एरिया है इनका अभी, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री लगी तो नहीं हुई, मे भी आगे तक भी जाए, लेकिन एनीवे वो सामने जी ब्लॉक है इस तरफ। एक्चुअली लोकेशन समझाना मकसद है आपको कि ये कौन सा एरिया कहाँ पे लग रहा है, तो वो इस हवाले से मैं जगह जगह रुके ना वो सामने वीडियो बना रहा हूँ। वो सामने जी ब्लॉक है, वो हिल व्यू पार्क सामने बना हुआ है उस तरफ जी ब्लॉक का, तो यहाँ तक एंड लग रहा है इनका, मे भी यहाँ तक इनकी कटिंग है, हो सकता है आगे भी इन जगह बाई की हो, अभी ये कन्फर्म नहीं है। तो ये वाला अभी तक जो सिस्टम है इनका ये है कि इतने कम अरसे में तकरीबन महीना, एक महीना पहले मैंने वीडियो बनाई थी, और जो कुछ अभी मैंने इस वीडियो में दिखाया ये कुछ भी नहीं बना हुआ था उस वक्त, तो अभी ये इन्होंने बनाया। वो जहाँ पे बाइक वाले जा रहे हैं वो मलोट बाईपास रोड है उस तरफ, वो जो जहाँ पे घर बना हुआ है वो सामने मलोट बाईपास रोड है, उस वक्त कुछ भी नहीं बना हुआ था, अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर दिया है। तो जिन लोगों ने इधर इन्वेस्टमेंट की हुई है वो होल्ड कर लें, क्योंकि 18.5 लाख का उन्होंने प्लाट लिया हुआ है, 18.5 लाख का आप कोई भी सोसाइटी, छोटी से छोटी सोसाइटी है वो भी ऑफर नहीं कर रही, तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है आपने ये जो की हुई है, इसको थोड़ा सा होल्ड कर लें और बी पेशेंट, यही बस मैं कहना चाहूँगा, नथिंग एल्स टू से। तो आज की मेरी ये वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरे वो भी जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के अपडेट उनको मिल सके। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।